बैक टू माई चैनल बिल्किस ब्यूटी। सो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सरोजनी नगर मार्केट का हॉल, जो मैंने वहाँ से परचेस किया। वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया है। इससे पहले मैंने एक सरोजनी नगर मार्केट की वीडियो बनाई थी। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा फर्स्ट व्लॉग था और बहुत सारे लोग बोलने लगे कि क्या बनाया है और आप मतलब क्या कर मतलब ब्ला 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 कुछ भी, जो नेगेटिव कमेंट्स एक दो जन ने किए कि क्या बनाया है नॉल। मैंने दो व्लॉग डाले थे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेकंड वाला व्लॉग था वो पूरा कंप्लीट व्लॉग था, और जो फर्स्ट वाला व्लॉग था उसमें मैंने समथिंग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स थी वो डाल दी थी उसके अंदर। सीरियसली बताऊँ तो मेरा फर्स्ट टाइम सरोजनी नगर जाना हुआ, फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर, क्योंकि मेरे को फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, मेरे को व्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं आता है। बट हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगर नेक्स्ट व्लॉग लाऊँ तो बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट करके आप लोगों के लिए लाऊँ, प्रिटेंड करके लिए लगाऊँ। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, मैं मेरे को झूठ बोलना या झूठ झूठ चीज़ें करके दिखावा करना मेरे को बिल्कुल नहीं आता। जो एग्जैक्टली मेरे को वो जगह दिख रही थी, जैसी दिख रही थी मैंने वैसे ही शूट किया। हाँ, थोड़ा बहुत ये था कि मेरे को आप लोगों को थोड़ा ब्यूटीफुल प्रेजेंट करके दिखाना था, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बाय कर लूँगी, और मैं एडिटिंग का एप्लीकेशन आता है मैं करती हूँ, बट मेरे पास मुझे अपना बिजनेस भी संभालना होता है, अपनी मम्मी को भी देखना होता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, बहुत सारे काम हैं जो मुझे देखने होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सब मेहनत करते, सबको जो जेन्युइनली इस चीज़ पे वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो आज जो वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मुझे ख़ास कुछ वहाँ पसंद नहीं आया सीरियसली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना बताया था कि मुझे कुछ खास वहाँ पसंद नहीं आया। पर हाँ, जहाँ मैं शॉप गई थी वहाँ पर मेन मार्केट में शॉप है, तो वहाँ मुझे दो चीज़ें पसंद आई थी, तो वो मैंने बाई कर ली थी। अब तो विंटर ख़त्म होने वाले हैं, नेक्स्ट विंटर के लिए मैंने वो बाई किया है, तो मैं आपको जल्दी से उस वीडियो में दिखा देती हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, और जो भी इंक्वायरीज आपकी रहती है तो मुझे DM करके ज़रूर पूछना। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। जो मेरा फर्स्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मुझे पीछे होना पड़ेगा। जो फर्स्ट चीज़ मैंने वहाँ से बाई करी है वो है ये जैकेट। जैकेट कह लो, स्वेटर कह लो, या कुछ भी कह लो, इस तरीके का ये पूरा मैंने ये जैकेट वहाँ से बाई किया है, और ये इतना मुझे ब्यूटीफुल लगा ना, इतना ब्यूटीफुल है। इसका मटेरियल, इसका जो कपड़ा है, क्लॉथ बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही मेरे को अच्छा लगा है। ये मैंने परचेज़ किया है 400 रुपीज़ में, और ये बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ब्रांड में जाते हो और किसी ब्रांड से जाकर लेते हो, तो वहाँ पर आपको ये 1000 से ऊपर की रेंज में ही मिलेगा, 2000 समथिंग कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, और इस पर इनका ब्रांड का टैग भी लगा हुआ है, ये सिटी चिक के नाम से है। अंदर से इसका सॉफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी जिप दी गई है इसमें मेटल की, और बहुत ही ब्यूटीफुल जैकेट है। मेरे को सच में सीरियसली पसंद आई, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मतलब नेक्स्ट विंटर आएंगे और मैं इसे पहनूंगी। तो वो देखिए, अंदर से कुछ ऐसा है, ये ऐसा ये हैंडल दिया गया है इनके ब्रांड का, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें जो ये वर्क दिया गया है फैदर का, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप भी ये बाय करना चाहते हो तो आप एक बार सरोजनी नगर मार्केट जाएं, वहाँ पर आपको ऐसा अगर कुछ दिखता है तो यू विल डेफिनेटली बाय दिस। ये बहुत ही प्यारा सॉफ्ट मटेरियल है जो मुझे पसंद है, ओनली ऑन 400 रुपीज़। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है ये, मैंने कोट बाय किया है। नेक्स्ट ओनली, या आप विश्वास नहीं करेंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ मैंने बाय किया है 600 रुपीज़ में।
अंदर से कुछ ही ऐसा इसका अंदर से स्टफ है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है, बहुत ही क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत पसंद आया है। मैं सीरियसली ये मेरा लक था क्या था मुझे मिल गया, आई डोंट नो उनके पास सेकंड पीस था या नहीं, बट वहाँ मैंने ये सिंगल सिंगल पीसेस देखे थे। तो इस तरीके का ये कोट है, इसका मटेरियल भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और इस तरीके से इसकी स्लीव्स में इस तरीके से ये फोल्डेड इन्होंने कर रखी हैं, फोल्डेड स्लीव्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स हैं इसकी। एंड इसमें ये कुंदन के नगों वाले जो होते हैं बटन दिए हुए हैं, एक बटन इसका था नहीं, बट कोई नहीं, मैं मार्केट से लाके लगा लूँगी। ये देख पा रहे होंगे आप, थोड़े लूज हैं इसके बटन, इसको थोड़ा आपको फिटेड करना होगा। ये देखें कितने ब्यूटीफुल इसके इसमें बटन लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा बेसिकली कोट है बहुत ही प्रिटी, और इस तरीके से कि शोल्डर अप हुए हुए हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई पर्सनली। एंड मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ सरोजनी नगर हॉल का ये जो मैंने दो चीज़ें बाय की थी वो मैं आपके और डेफिनेटली शेयर करना चाहती थी। तो आप देखिए एक बार कितना ब्यूटीफुल लॉन्ग कॉट है ये। ये बेसिकली इसका जो बाहर का स्टफ़ है वो वेलविटी है, वेलविटी ऊन का वर्क हुआ हुआ है इसमें, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। और तो मुझे तो ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई हैं, आई होप आपको भी पसंद आई हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं वहाँ पर अच्छी, ऐसी नहीं है कि सारी क्वालिटीज़ बेकार है सरोजनी नगर में, कुछ कुछ क्वालिटीज़ अच्छी हैं शॉप्स में जाकर। तो आप डेफिनेटली एक बार जाकर ट्राई कर सकते हो, आपको भी इतने सस्ते दामों में मिल सकती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके प्यार की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और स्पेशल आपकी दुआओं की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट रिव्यू या व्हाटएवर, जो भी मेरा बस का होगा, जो मैं कर सकती हूँ बेस्ट ऑफ बेस्ट माय कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, तो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।